गल है कि कब्जा करना तो यह सीधा ही जोड़े कानून है कब्जे वास्ते बने पहली गल तो क्योंकि इन्हों बना की लड़ क्यों पी आई स्टेशन साड़ी रेलवे ट्रैकों तो इतों चलती है उदो यही चलती है भी जोड़े कानून है वापस लो इन्होंने वापस नहीं ले फिर एक संयुक्त मोर्चा बने जे किसान पहले ही सैटिस्फाई है फिर की लड़ की है फायदा देने की ठीक है जुमला कह लो या छलावा है किसानों उन्होंने जी उन्होंने पाड़न आपके नाल इस एजुकेशन उन्होंने किसानों सफेड़ पाने ये बयान दिए गए है। भारत के नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद्र ने बयान जिस उन्होंने केंद्र वालों लिया गए तीन खेती कानूनों का एक बार फिर जिक्र करते हुए इन्होंने कानूनों किसानों की आमदन दुगनी होने का जिक्र किया जिसनों लैके किसानों वालों इस बयान असहमति जताई और कहा कि जेकर खेती कानून इन्ने वधिया होंगे तो इन्हों रद्द कराने इन्ना लंबा संघर्ष क्यों करना पैंदा जिस 800 किसानों ने अपनी जाना गवाई उन्होंने कहा कि यह कानून कारपोरेट घराने तो फायदा लैण लई बने सन अते एक बार फिर इन्हां ते जिक्र कर भरमाउण की कोशिश की जा रही है पर जेकर केंद्र दोबारा इन्हां नूं लागू करन दी सोच रहा है तो किसी भी कीमत ते इन्हां नूं लागू नहीं होण दिता जाएगा। फरीदकोट तो मनप्रीत सिंह दी रिपोर्ट लाइव भारत। गल इह है भी कब्जा करना तो यह सीधा ही जिहड़े कानून आ कब्जे वास्ते बने पहली गल तो यह है क्योंकि इन्हां नूं बनाउण दी लोड़ क्यों पई साडियां जिहड़ियां सरकारां हैं जिवें साडी पंजाब सरकार लै लो जां कोई हरियाणे दी सरकार लै लो ये सरकारां हैं जे सरकारां साडियां सही होण तां मेरा ख्याल इत्थों तां नौबत नहीं आउंदी सी क्योंकि किसानां नूं इन्हां ने जागृति नहीं कीता दस्सिया ही नहीं जिवें कैप्टन सरकार सी इह भी जाके उत्थे विच बैठदे रहे आ कैप्टन साहब मनप्रीत भी बैठते रहे आ साडे इधर बादल के लै लो ये सरकार रही है ये भी विच बैठते रहे आ इन्हां जागृत कीता ही नहीं किसानां नूं दस्सिया ही नहीं जदों किसानां नूं पता लगा उदों पाणी आ जिहड़ा उह लंघ चुक्किया सी फिर उस तो बाद होंदी है एजिटेशन शुरू जदों एजिटेशन साड़ी रेलवे ट्रैकों तो इतों चलती है उदो यही चलती है भी जोड़े कानून है वापस लो इन्होंने वापस नहीं ले फिर एक संयुक्त मोर्चा बनया दिल्ली दियां बरूहां ते बैठे भी इहनू वापस लो उस तो बाद कि इन्होंने भंडना शुरू करता पंजाबियों नूं भी इह नक्सलवादी है ये अत्तवादी है ये माओवादी है फलाना बहुत कोशिशां कीतियां लड़ाइयां झगड़े इन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी सरकार ने आपदी जदों इन्हां नूं एंड पता लगा ना भी ये इत्थों नहीं उठदे इहदा कोई ना कोई हल कढ़ना पऊगा नाल दी नाल ही अपने इलैक्शन आ गए दो चीज़ां रल गईआं जदों इहनां नूं इलैक्शन आ गए इहनां दी मजबूरी बन गई भी इहदा जिहड़ा हल है इहदा कोई ना कोई कढ गए ते मोदी सरकार ने गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब ते इकदम ऐलान करता भी इह जिहड़े मैं कानून वापस लैंदा जदों उहनां ने कानून वापस लैण दी गल चली उदों किसानां दी इक्के गल चली भी इह जिन्ना चिर राष्ट्रपति दी मोहर नहीं ना लगदी साडे माणयोग दी उन्ना चिर असीं उठ के नहीं जांदे जदों इन्हां दी उत्थे मोहर लग गई मता उत्थे विधान सभा च राज सभा च पास हो गया बैक जावड़िया उस तो बाद तो कोई गल रह नहीं जाती हुण जिहड़े बयान दिंदे आ आपां आ जाईए जिवें गरेवाल साहब दिंदे आ जां कोई इठले बंदे दिंदे कोई तुक नहीं रह जाती बयान दिंदी इक सिर्फ आपदे कामां नूं खुश करन दी खातर जिवें माड़ा मोटा कोई नीति योग आ जां उत्थों कोई बयान दे दिंदा जी ते फिर आपां इहदे विचार कर लईए जां इह लाहेवंद सी किसानां वास्ते असीं तां वधिया कीता सी वधिया इन्हां ने कीता सी कारपोरेट घराणे वास्ते ना कि साडे वास्ते किसानों वास्ते वधिया नहीं सी कीता इन्हां ने आपदे जिहड़े मगर इन्हां दे बैक जिहड़ियां चार पंज कंपनियां जिहड़ियां गांह सामराज तक पिछों तक चलदियां उन्हां दी खातर हाँ जे लागू हो जांदे तां उन्हां नूं फायदा होणा ही होणा सी इहदे च कोई दो रहा नहीं हुण की आ भी जिहड़ा साडा खेती सैक्टर है इह इंडिपेंडेंट आपदे किसानी ते डिपेंड करदा है ते जे किसानी मर गई कल्ली किसानी नहीं मरनी इहदे नाल सारा मां वी मर जाणा जिवें आम इक कहावत आ ना भी झोटे ते जूआं पै गईआं जी ते जूआं कड़ जो कहिंदा झोटा मर गया ते जूआं आटोमैटिक मर जाणगीआं जो किसान मर गया ना ते आटोमैटिक ही सारा कुछ तबाह हो जाणा इह कल्ला किसानां दा नहीं होणा इह व्यापारी वर्ग लै लो तुसीं दुकानदार वर्ग लै लो तुसीं वाहिगुरू कृपा करे वाहिगुरू दी ओट नाल चले सी वाहिगुरू दी ओट नाल चलदे हैं असीं किसे भी तरीके नाल इह ना लागू होण दित्ते आ ते ना होण देवांगे जो मर्जी करना पवे जो मर्जी कुरबानियां साडियां 800 किसान शहीद होया नहीं सानूं लोड़ नहीं सी पैणी इह साडे किसान बच सकदे सीगे लोक दे मैंबर वल्लों बयान दित्ता गया कि खेती कानूनां जरिए किसानां दी आमदन दुगनी हो सकदी सी किस तरह देखदे हो इहनां दे इस बयान देखो जी एक बारी गल मोकी गई है कानून रद्द हो के दोबारा बार बार गल करन दा की मतलब ठीक है राष्ट्रपति वल्लों मोहर लगी हुई है सब कुछ ठीक होया इहदा लोकां नूं खराब करने वाली गल है ठीक है लगदा कि इहनां कानूनां जरिए जिहड़ा किसानां नूं फायदा मिल सकदा जे किसान पहले ही सैटिस्फाई है फिर की लड़ की है फायदा देने की ठीक है ना किसान जथेबंदियां पहले कहें सूँ इन्हें कानून की लड़ ही है नहीं फिर उन्होंने मतलब सैटिस्फाई है उन्होंने कोई बहुत ना
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਾਂ BSNL ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕੇਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਅ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ।